हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस देखो, तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और घर की मतलब पेंट वगैरह का काम हो रहा है। अभी क्योंकि टेस्ट भी चल रहे हैं आजकल मेरे, लेकिन आज मेरा टेस्ट है। कल एक टेस्ट हो गया था मेरा और कल हुआ था साइंस का और संस्कृत का, और आज होगा मैथ्स का होगा और सोशल का होगा। तो देखो प्राची वो भी आ गए और महाशय आ गए भाई साहब। है कहाँ जा रखा था? नीचे कहाँ जा रखा था तू? ये देखो, वाह। इस टीटू को देख के वैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आज मैं सुबह ट्यूशन जा रहा था, आज ट्यूशन में मिस कर दिया मैंने सुबह वाला। टीटू आगे पे था और मैं बोल रहा कि भाग जा घर जा घर जा, तो इसके कारण मेरा एक दिन मिस हो गया। एक दिन पहले भी हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने उसको माफ कर दिया था। जो बार बार गलती करे उसे माफी नहीं मिलती है। मैंने हुड लगा लिया, आपको पता चल गया होगा कितना ठंडा हो रहा है। तो कल मेरा लास्ट टेस्ट है इंग्लिश का और हिंदी का, तो आज था सोशल का और मैथ्स का। तो सोशल तो पता नहीं, लेकिन मैथ्स में तैयारी मैंने पूरी करी है। संस्कृत का क्या ही बोलना गाइस, संस्कृत तो है हम विद्वान संस्कृत के। तो जब मैं टेस्ट देने में जा रहा हूँ तो ये वाला बैग ले जा रहा हूँ। और कल मैंने इंस्टाग्राम खोला और सोचा कि एक रील बना लें, क्योंकि मैंने बहुत कम रील बनाई थी। तो मैंने म्यूजिक ऑन करा और म्यूजिक में फॉर यू आ रखा था यालगार का, किसका है पता नहीं। और तब यालगार पे क्लिक करा और रील बनाई, तो दूसरे दिन देखा कि उसमें 13K व्यूज हो गए गाइस। जैसे मैं थोड़ा ऐसा हिला डुला था बस, तो इतने में 13K का प्यार मुझे मिल गया। और गाइस एक गुड न्यूज है कि हमारे जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट वाला फीचर होता है इनेबल हो चुका है गाइस। तो मचाएंगे तो अभी मैं रील बना रहा था। आपने देख ही दिया होगा कि बिहाइंड द सीन्स टीटू कितना परेशान करता है मुझे। और थोड़ी गर्मी होने लग गई क्योंकि धूप इस साइड आने लग गई। और अब तैयारी करेंगे स्कूल जाने की। 2 घंटे बाद छुट्टी, उसका ट्यूशन, उसके बाद आ जाऊंगा। तो उसके बाद आराम से बनाएंगे ब्लॉग। तोड़ दिया है गाइस, यहाँ से तोड़ दिया। देखो उसको तो मार खाने का भी किस दिन। हाँ फाइनली मैं आ चुका हूँ स्कूल के लिए तैयार। और ब्रेकफास्ट में मैंने रखा है, गेस करो क्या रखा है? मीठे पराठे गाइस। माँ जी ने हमारे डिमांड पे मीठे पराठे बनाए हैं। मैं तो खा ज्यादा नहीं देना गाइस। Break a sweat. Oh, this matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights under the street. तो गाइस अब सीधे मिलते हैं स्कूल से आने के बाद। बाय। मैं आ चुका हूँ स्कूल से और हो चुके हैं हमारे 2 टेस्ट। मैथ्स का तो बहुत अच्छा गया एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। लेकिन सोशल गाइस, सोशल में 10 क्वेश्चन थे और 10 में से 8 तो मैंने कर लिए थे, और बाकी जो 2 बज रहे थे तब तक घंटी बज गई थी सिस्टम में, कर नहीं पाया। और लिखने में क्या, एक एक पेज का आंसर गाइस। और 12 बजे छुट्टी हुई थी और 1 बजे अब ट्यूशन जाना पड़ेगा, तो अभी मैं जाता हूँ ट्यूशन। मिलता है सीधा ट्यूशन से आने के बाद। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पोपट हो गया, क्योंकि ट्यूशन था 2 बजे और मैंने सुना नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और इनको देखो ASMR देखने में, ASMR ही देखते रहो तुम, खाओ खाओ बस। तो मेरे चश्मे बार बार गंदे होते रहते गाइस, चश्मे के लेंस में बार बार धूल मिट्टी लगती रहती है। तो साफ करने के लिए पहले मेरे पास पता कपड़ा आता है ना चश्मे के साथ का, वो था, लेकिन अब वो खो गया है। तो उसके बाद मैं सिंपल वैसे कपड़ों से करने लग गया और थोड़ा उसमें स्क्रैचेस आने लग गया हल्के हल्के। इसलिए आज नानी ने मुझे एक चीज़ दी, देखो इसमें पता नहीं किसकी फोटो बन रखी है, IIT NS की लग रहा है। कितना अच्छा देखो गाइस। गाइस मैंने कंटेंट क्रिएट करा है कि 24 आवर्स तोतला चैलेंज, तोतला बोलने का चैलेंज गाइस। तो देखते हैं अगले वीडियो में शायद हम कर पाए ऐसा चैलेंज, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी। तो फाइनली अब मैं करूँगा लंच। तो लंच में आज बन रखे कड़ी चावल और बैंगन की सब्जी। तो ये है मेरी ट्राइमैक्स और ये मेरी मैक्सटोन। तो ये रॉडिटो की है और ये रेनॉल्ड्स की है। तो मुझे रेनॉल्ड्स की ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसकी ब्लू भी आती है। वैसे गाइस एक पोपट नहीं कर देते लोग हमारे साथ, पता क्या
₹30 का ढक्कन ही ढक्कन मिलता है, देखो खपटाना बोलता है इसको जो असली रिफिल होती है वो ₹20 की, तो इसमें वैसे घाटा है बहुत ज्यादा। आज पूरे दिन मैंने सुबह से शाम तक घड़ी नहीं पहनी और थोड़ा अजीब से लग रहा है, तो सिंपली बल्ब पे जाना है। तो बल्ब पे जाके क्या करना है कि सीधा ये जो ये है ना इसको सीधा ऐसे घुमाना है गाइस, देखो अभी देखो ये गाइस है ठंड गर्मी बाकी इसमें बहुत कुछ मोड है, तो ये देखो ये सेम RGB वाला सिस्टम, ऐसे घुमाओ किसी भी टाइप की लाइट। बातें बहुत हो गई गाइस, अब मुझे थोड़ा पढ़ना है तो क्या मिलता हूँ सीधा। तो गाइस फाइनली मैंने प्रिपरेशन तो कर ली कल टेस्ट के लिए। गाइस हमेशा फ्री होके बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट लिखो ये लिखो, तो उसमें उतना मजा नहीं आता, लोगों को भी वाला अच्छा नहीं लगता ज्यादा, और खुले बोलो और आराम से मजा आता है उसमें कि अलग ही टाइप का फन आ रही है। क्या हो गया अबे गाइस, मुझे भी नहीं पता था, सच में अभी दिख रहा है, सच में लिटरली बोल रहा हूँ। जो रिफिल थी खत्म हो चुकी थी ना, तो ये रिफिल मैंने अभी निकाली थी, तो उसके अंदर मैंने उसको थोड़ा निकाला जोर से और उसके अंदर मैंने इंक डाल दी, मेरे हाथ में गिर गई। मैं बोल रहा पानी पानी जैसे क्या लग रहा है, तब तक देख रहा इंक है। अभी नोटिस कर रहे हो, मैं तो नोटिस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि मेरा चश्मा टेढ़ा लग रहा है। एक दिन प्राची बैठी थी इसके ऊपर, तब से बहुत टेढ़ा हो गया। मुझे लग रहा है मुझे चेंज करना पड़ेगा, और मुझे आई साइट चेक कराने भी जाना पड़ेगा अभी एक दो महीने के अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे 6 महीने होने वाले हैं चश्मे को यूज़ करते हुए। तो क्या पता जो मेरे चश्मे की पावर है वो थोड़े ऊपर नीचे हो गई होगी, तो ये चेक कराना कंपलसरी होता है। और यार दीपावली के बाद हाफ पी ली, अब जाते हैं खाने के लिए। तो देखो गाइस आज बन रखा है आलू बड़ी की सब्जी। तो गाइस प्राची ने खाना तो नहीं खाया लेकिन बिना खाए सो गई। तो आज का व्लॉग इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप समझदार हो गाइस, आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करते रहना है, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना है, वीडियोस को शेयर करते रहना है, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।